नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मालदीव और भारत के बीच में कुछ टाइम से रिलेशन ठीक नहीं है। वो रिलेशन जो ख़राब हुए हैं ये मालदीव की तरफ से हुए हैं। अभी दोस्तों कुछ ऐसा हो गया है कि मालदीव, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि शर्मसार हो रहा है, भारत की रिक्वेस्ट कर रहा है भारत को कि आप अपने टूरिज़्म के, मतलब हमारे यहाँ टूरिस्ट भेजिए ताकि हमारा टूरिज़्म आगे बढ़े। इसके अलावा उसने दूसरी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए रिक्वेस्ट करी है, जैसा कि उसने अपना पहला इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। इंडिया आउट कैंपेन चलाने जब चलाया तो उसने भारत को ये बोल दिया था कि आप अपना जितने भी यहाँ पर मिलिट्री है उसको निकाल लीजिए और वापस इंडिया चले जाइए। जबकि दोस्तों आपको बता दें कि हमारे जो भी आर्मी के लोग थे, जो भी फोर्सेस थी, वो सिर्फ 70-80 की ही नंबर में थी, ज़्यादा नहीं थी। लेकिन मालदीव ने अपना, जो उनके राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मैजू, अपना चुनाव ही लड़ा था इंडिया आउट कैंपेन चला करके, और लोगों ने वहाँ पे उनको वोट भी दिया और वो राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों लोगों का भी यानी कि समर्थन था, इंडिया आउट कैंपेन उनका बड़ा अच्छा चला था। अब इंडिया आउट हो गया वहाँ पर। अभी 10 मई को फाइनली सारे जितने भी सोल्जर्स थे सब आ गए। इवन भारत ने ये भी बोला कि ठीक है, हम अपने सोल्जर्स को वापस बुला लेते हैं और अपने सिविलियंस को वहाँ भेज देते हैं जो आपके लिए काम करेंगे वहाँ पे। हालांकि हम वहाँ पे जो हमारे सोल्जर्स थे, ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे कोई इनके लिए दिक्कत पैदा करते थे, इनकी ही भलाई के लिए थे वो। क्या है कि दोस्तों हमने कुछ इनको हेलीकॉप्टर और डोनियर दे रखे थे, एयरक्राफ्ट 3 की संख्या में दे रखे हैं। तो दोस्तों उसको भारत के जो आर्मी के लोग थे वो उसको उड़ाते थे, वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करते थे, उनकी लोगों के लिए निगरानी करते थे, उनकी सीमाओं की उनके, मतलब हर तरह से हेल्प करते थे। एक द्वीप से दूसरे द्वीप अगर ले जाना है, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे, उसमें लोगों को हेलीकॉप्टर में बैठाते थे और लेकर जाते थे दूसरी जगह। तो दोस्तों ये तो भारत की सेना करती थी, लेकिन पूरी तरह से थैंकलेस हो गया था मालदीव। अब उसने, उसको भी लगा कि अब इंडिया से व्यवहार बना के अच्छा काम रहेगा नहीं, ऐसा है चाइना से व्यवहार बनाते हैं, तो वो चाइना से व्यवहार बनाने चले गए। अब उनके साथ दो दिक्कतें हो गई। जब वो चाइना से ही पूरी तरह से व्यवहार बनाने चले गए और इंडिया से पूरी तरह से उन्होंने रिश्ते ख़राब करने की सोच ली, मोहम्मद मैजू ने, जो उनके राष्ट्रपति हैं, तो क्या हुआ कि इंडिया से लोग जाना बंद कर दिया लोगों ने मालदीव जो घूमने जाते थे। और उसमें पिछले 3 महीने के अंदर ही करीब 42% की गिरावट आ गई टूरिज़्म में। तो अभी आपको पता होगा कि मालदीव के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे, जो कि ये रिक्वेस्ट कर रहे थे इंडियन से कि हमसे गलती हो गई है, आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे टूरिज़्म को बढ़ाइए, क्योंकि हमारी इकॉनमी ही टूरिज़्म बेस्ड है। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ अगर दोस्तों आपको बता दें तो इनके मालदीव के रक्षा मंत्री हैं घाशन मामून है, आज एक बयान देते हैं कि हमारे पास जो पायलट हैं वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि इंडिया के दिए हुए हेलीकॉप्टर डोनियर वगैरह जो ये दे रखे हैं इसको उड़ा सकें। अब ये समझ लीजिए कि आज इनको याद आ रही है, अभी 2-3 दिन पहले यानी कि 10 मई को सारी फोर्स हमारी वापस आ चुकी है इंडिया की। आज वो फाइनली एडमिट कर रहे हैं मीडिया में आकर के कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हमारे पास कोई भी ऐसा पायलट नहीं है ट्रेंड जिसके पास ये लाइसेंस हो कि ये उड़ा सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे जो भी पायलट थे इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, और इनकी ट्रेनिंग जो चल रही थी वो भारतीय सोल्जर्स ही दे रहे थे, और उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट स्टेजेस पे थी जो कि अब रुक गई है। तो अभी हमारे लिए बड़ी दिक्कत है। अब दोस्तों ये समझ लीजिए कि मालदीव ने जिस वक्त इंडिया आउट कैंपेन चलाया था वो तो समझ में आ जाता है कि चलो चुनाव लड़ना था, किसी तरह चुनाव लड़ लिया, जीत लिया। जब जीत भी लिया तो एकदम से ही क्यों बाहर करने लगे इंडिया को बाहर कर दिया। अरे पहले ट्रेनिंग ही दिलवा लेते तो कम से कम आज कुछ अपनी हेल्प खुद कर पाते, वो तो अब दिक्कत हो रही है, वो तो कर नहीं पा रहे। इसके साथ ही सोचिए दोस्तों, जब मोहम्मद मैजू राष्ट्रपति बन गए उसके बावजूद भारत ने इनकी बहुत हेल्प करी है। ये समझ लीजिए कि इनके पास खाने पीने के लिए भी चीज़ें नहीं थी, जिसमें कि टमाटर, प्याज, अंडे, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें, गेहूं, ये सारी चीज़ें मालदीव को इंडिया ने सप्लाई करी। दोस्तों ये समझ लीजिए कि भारत ने पूरी तरीके से मालदीव की हेल्प करी हर तरह से, क्योंकि हमारे मालदीव के साथ रिलेशन पहले से बहुत अच्छे हैं।
ये अचानक से राजनीति आ गई जिसमें मोहम्मद मायजू ने रिश्ते ख़राब कर दिए भारत के साथ, वन साइडेड। अब दोस्तों ये समझ लीजिए कि मोहम्मद मायजू को, जबकि मालदीव को, भारत का जो बजट पास होता है उसमें एक पोर्शन मालदीव के लिए भी रखा जाता है, जो हम एड मतलब एक सहायता करते हैं कि ये लो भाई ये पैसे रख लो अपनी इस चीज़ में खर्च कर लेना, हम उनसे वो लेते नहीं, कोई लोन नहीं होता है वो। मतलब सोचिए हम अपने बजट में मालदीव के लिए सोचते हैं और मालदीव इतना मतलब एहसान फरामोश ये चाइना की गोद में जाके बैठ गए और भारत के ही आंखें दिखाने लगे। अब ये सोच लीजिए कि इनका जब टूरिज्म ड्रॉप हो गया, नीचे चला गया, अब चाइना हेल्प नहीं कर पा रहा, वो चाइना हेल्प करेगा भी, वो इनको पैसे दे देगा लेकिन वो कर्जे के रूप में देगा जो ये चुका नहीं पाएंगे और इनकी ज़मीन ले लेगा वो। ये अभी मोहम्मद मायजू अभी समझ जाएंगे कि चाइना के साथ दोस्ती का फल इनको क्या मिलने वाला है। दोस्तों अभी तो इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी है, अभी देखिए अभी ये नाक रगड़ेंगे भारत के सामने। अब यहाँ तक ये समझ लीजिए कि इनके जो विदेश मंत्री आए हुए थे, इन्होंने ये भी एडमिट किया था कि हो सकता है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मायजू भी इंडिया की विज़िट के लिए प्लान करें। अब ये सोच लीजिए कि दोस्तों क्या हालत होगी जब मोहम्मद मायजू अगर इंडिया आ जाते हैं, एक तरफ जयशंकर साहब बैठे होंगे, दूसरी तरफ अजीत डोवल बैठे होंगे और फिर इनकी जब क्लास लग रही होगी तो इनकी क्या हालत होगी, ये तो बात की बात है। ठीक है, वैसे मैं तो प्रे करूँगा कि मालदीव को सद्बुद्धि आ जाए, कम से कम वहाँ के जनता के लिए तो भलाई हो जाए, इंडिया के लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो कम उनकी हेल्प हो जाएगी। दोस्तों अब कुछ अपडेटेड न्यूज़ आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।